Hi YouTube, and once again this is Gaurav, and I welcome you to my YouTube channel. And today we are going to another destination, and ये जो हमारा destination है आज का, this is kind of first episode क्योंकि मैं कोलकाता डायरीज करके एक मतलब ये episodes and playlist निकालना चाहता हूँ. तो इसका as a first installment ये मेरा पहला episode है. So देखते हैं, hopefully बहुत अच्छी जगह है. Is my friend going with me? Hi YouTube. And ये आज मेरे को assist करने वाला है वहाँ तक जाने के लिए. और जो भी है भाई की आज कृपा बनी रहेगी. बिल्कुल यार, बिल्कुल. So that's all. तो हम लोग अब सीधा निकलते हैं बाइक की तरफ को. Okay. It's 10:25 as you can see. So let's go and let's ignite my baby. Yes, the beast is getting alive. Okay, let's start the ride. So night में तो काफ़ी lit up होता है न्यू टाउन वाला एरिया, but as you can see new restaurants are coming up like Gotham's. Already हम लोग एक बार night में भी जा चुके हैं देखने के लिए कि वो कैसी जगह है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिन में भी अच्छी दिखे, क्योंकि नाइट में तो ऑसम दिख रही थी वो जगह. इट्स अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस, एंड आई एम होपिंग टू गेट देयर इन 1 आवर. एज अगर यूजुअल ट्रैफिक रहेगा तो इट विल टेक अराउंड 1 आवर, एंड इफ द ट्रैफिक इज हाई मीन्स देयर इज रश देन इट विल टेक 1.5 आवर. हमारा सेक्टर 5 का लेक विच इज़ ऑसम, और इस तरफ पूरे बिजनेस पार्क हैं. और यहाँ कुछ बोटिंग वोटिंग तो कभी मैंने देखा नहीं है एज कि हाँ भाई बोटिंग होती हो, बट स्टिल इट इज़ अ ब्यूटीफुल. यहाँ पर बीच में मेरा एक दोस्त मिल गया है, ब्लैक पैंथर ग्रुप का और डोमिनेटर ग्रुप का अंकित, और बीच में भाई अपना चालान कटवा रहा था जबरदस्ती का. जबरदस्ती का साला डाल रहा है. प्रिंसेप घाट. ओके, दैट्स कूल, सुपर कूल. एक्सपेक्टेड इतनी भीड़ नहीं है, पर तब भी ठीक है, काफ़ी काफ़ी भीड़ है यहाँ देखने के लिए. ओके, इतनी भीड़ नहीं है, काफ़ी खाली खाली है. रात में तो बिल्कुल ही खाली था ये. एंड वी हैव सम फॉरनर्स हियर आल्सो, सो क्वाइट अ गुड प्लेस. शेड्स की यहाँ पर बिल्कुल कमी है, क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल यार, शेड्स की काफी कमी है. ये हमारी डे ट्रिप है, रात की ट्रिप भी हमने की थी, और दोनों मिक्स्ड करके ब्लॉग डालने वाले हैं हम लोग. ये आपका दिन में स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है. सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बड़े मस्त दिख रहा है भाई. और रात में भी यहाँ पर एंट्री अलाउड है, यहाँ के बंदे बंदी मस्त टाइम बिता सकते हैं. सो
so fantastic. So ऊपर कुछ लिखा हुआ है James Prinsep. Erected to the honor of James Prinsep by his fellow citizen. Okay. तो अब तो भाई हिस्ट्री देखनी पड़ेगी इसके लिए तो. सही कह रहे भाई. काफी अच्छा स्ट्रक्चर है यार. हाँ कवर नहीं है. अबे भाई कवर नहीं है ये. इट्स अ मॉन्यूमेंट. रात में तो ये जो एरिया है बहुत ही भयानक दिखता है यार. भयानक इन द सेंस आप कह सकते हैं कि मतलब ये बरगद का पेड़ तो ऐसा लगता है भूतिया. देख सकते हैं आप ये बरगद का पेड़. ऊपर में देख सकते हैं कि विद्यासागर सेतु भी है. और इसके बगल में आपका ये है स्टेशन प्रिंसेप घाट का. प्रिंसेप था जो जेम्स प्रिंसेप. अच्छा. वो यहाँ का एक मैसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था. ओके. तो फिर उसने मतलब उसने काफ़ी चेंजेस लाए मतलब कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में और बहुत बहुत सारी चीज़ों में. तो उसके लिए भी उसके लिए एक मार्क ऑफ कहते हैं जिसका एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया है. हमारे साथ एक फ्रेंड और मिले. नाम बता सकते हैं? मेरा नाम माय नेम इज शावर्नो एंड आई मेट अभिषेक इन माय ऑफिस एंड ही इज माय कलीग आल्सो एंड ही इज माय फ्रेंड एंड आई जस्ट गॉट टू नो दैट ही हैज अ यूट्यूब चैनल. सो all the best to his channel. I will definitely like and subscribe the channel also. As you can see ki bahut hi behtareen, so beautiful, so scenic, and there is a tanker ahead. Once I will come in morning. Hum log aa chuke hain train ke bagal se jo ek path banaya hua hai which is ऑल्सो क्वाइट सीनिक और काफ़ी अच्छा है. पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं. और ये दोनों भाई ज़्यादा. सो ये देख सकते हैं घाट ऐसा है. यहाँ पर काफ़ी येलोइश वाटर है. हुगली रिवर है भाई. और यहाँ दूर से अगर आपको शायद दिख रहा हो तो वो हमारा है आपका हावड़ा का हावड़ा ब्रिज. या हावड़ा ब्रिज ही विद्यासागर से. और ये विद्यासागर से तो भैया बोट राइडिंग के लिए जा रहे हैं. सो दिस इज द बोट. काफी अनस्टेबल सी लग रही है. ओह लाइफ जैकेट पहनने के लिए बोल रहे हैं भैया. अब लाइफ जैकेट है पहले से. ओके वैसे राइड ओवर प्राइस है. हाँ मेरे को भी ओवर प्राइस लग रही है भाई. स्पीड पकड़ी भाई. हाँ गंगा ही तो है ये. हुगली तो यहाँ शायद इसको कोई बोलता भी नहीं है. गंगा ही बोलते हैं सब लोग. सही गाना सुना रहे हैं. यार पर अच्छा है मतलब घूमने लायक है. एंड हो गई फेरी राइड कंप्लीट. क्वाइट ऑसम राइड. ये
लोग ये लास्ट स्ट्रेच में हैं एंड इसके बाद हम लोग बस एक बार आपका प्रिंसेप घाट का जो मॉन्यूमेंट है उसके बारे में दिखाएंगे एंड ये जो स्ट्रीट है काइंड ऑफ वेरी क्लीन स्ट्रीट, क्लीननेस अच्छी है, बहुत अच्छा क्लीन है, मतलब मस्ट विजिट जगह है वैसे, वन ऑफ द प्लेसेस में। और भाई ने वैसे ही पहली तारीफ कर दी है बिल्कुल इस जगह की यार। सो नाइट में हम लोग यहाँ आए थे कुछ दिनों पहले एंड यही घाट था वो बिल्कुल। सो दिस इज़ द घाट एंड कुछ देर पहले हम वैसी जो सामने आपको फेरी दिख रही है वैसी फेरी पे घूम के आए और इसे ब्रिज के नीचे गए। हाँ, ब्रिज के नीचे से होके आए एंड दैट्स ऑल। और ये है कि मतलब काफ़ी क्वाइट प्लेस है एंड काफ़ी हैपनिंग है पर इतना टूरिस्ट लोग आते नहीं इधर जितना भी है, ठीक है नॉर्मल। तो चलते हैं हम अपना मॉन्यूमेंट की तरफ को। सब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल के रखी हुई है जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ, हाँ जो मेन अट्रैक्शन है, हाँ पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी दोबारा दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस ये हमारा यहाँ पर यही है मॉन्यूमेंट एंड रात में भी हमने दिखाया था ये एंड दिन में भी दोबारा दिखा रहे हैं। भाई भाई कुछ दिखा रहे, भाई भाई कुछ बताएंगे। बस जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जेम्स प्रिंसेप थे जो कुछ ये 18th-19th century के टाइम की बात है कि तो वहाँ इन्हें कुछ कुछ एज ए सेक्रेटरी यहाँ आए थे काम करने, तो काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कोलकाता की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, जैसे कनेक्टिंग द रिवर हुगली एंड द सुंदरबंस, कोई मतलब कॉइनेज लाए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी लाए यहाँ पे, और वेज एंड मेजर्स जो हमारे होते हैं उसको यूनिफॉर्म किया, तो काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। भाई कितने का बना है ये बताइए? ये कुछ यहाँ लिखा था कि कुछ 12,000 रुपये का, शायद 12,000-13,000 के करीब का बना है ये, तो उस टाइम के हिसाब से 12,000 तो काफ़ी होंगे, तो खाली 12,000 के करीब वंडरफुल एक मॉन्यूमेंट बना है 12,000 के मॉन्यूमेंट खाली। और बस इतना ही, बाकी शान जगह, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, काफ़ी शान जगह है, पीसफुल जगह है। अगर आप जैसे हम यहाँ स्टार्टिंग में आए, हम गए फेरी राइड पे, जैसे मैंने फेरी राइड पे गए जहाँ मतलब मेन अट्रैक्शन यहाँ का फेरी राइड ही है, तो आधे हिसाब से ये रेट मतलब मेन अट्रैक्शन फेरी राइड नहीं बोल सकते, वो मॉन्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वो मॉन्यूमेंट आता है, मॉन्यूमेंट पर थोड़ा अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, देन आफ्टर दैट अगर आपको मींस थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो वी कैन गो फॉर द फेरी राइड, आधा घंटे एक घंटे के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी पीसफुल है। अगर आपको बिल्कुल शहर की हसल बसल से बिल्कुल दूर आना है, किसी शांति जगह जाना है, तो ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब बोटिंग यहाँ पे फेरी राइड कर सकते हैं। तो मैं इसको आउट ऑफ फ्रॉम 10 ये मस्ट विजिट, वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस है कोलकाता में, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा आपको इस ट्रिप को 6.5 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, खाने वाने के लिए भी सब अच्छे है, और बस दैट्स इट। एंड मेरी तरफ से भी मैं अगर इसको रेट करना चाहूँगा, ये बहुत काफ़ी अच्छी प्लेस है यहाँ, मतलब फैमिली अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली टाइम के लिए बहुत अच्छी जगह है, और कह सकते एक तरीके से पिकनिक स्पॉट है, प्लस साथ में अंधेरा घूम जा, प्लस साथ में ये है कि आपका अगर आप मतलब थोड़ा सा राइड करना चाहते हैं, थोड़ा शांति देखना चाहते हैं, तो मीन्स आप जा सकते हैं फेरी राइड पे जा सकते हैं, विच इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव बट इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव कह सकते हैं, बट और एज अकॉर्डिंग टू के साथ इस व्लॉग के लिए हम लोग आपको टाटा कहते हैं, बाय बाय एंड होपफुली कि मैं ये होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में बताइएगा, और जो लोग यहाँ से कोलकाता से हैं श्योरली मेरे को बताइएगा कि और कहाँ कहाँ अच्छी जगह घूमी जा सकती हैं, क्योंकि नेट पे तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी जगह हैं नेक्स्ट काफ़ी एपिसोड्स के लिए, बट अगर आप लोग भी सजेशंस कमेंट्स देंगे तो अच्छा लगेगा भाई को। ओके इसी के साथ टाटा बाय बाय। ओके बाय।